स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ओजोन होल डिप्लीशन के बारे में। ओजोन के बारे में सबको लगभग पता ही है, ओजोन का मतलब जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन लेयर है, इसका किस तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, इसका किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओजोन होल डिप्लीशन के बारे में। देखिए, ओजोन डिप्लीशन ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर, क्या होता है कि ये ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे थिनिंग हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, इसका जो प्रॉपर जो थिकनेस था वो कम होने लगता है। कैसे? ग्रेजुअली धीरे धीरे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलेंगे। और ये कहाँ पे होता है, देखिए अर्थ ओजोन लेयर, अर्थ के एक ओजोन लेयर होता है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम पे, उसके ऊपर आपका ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें आपका जो सन है, सन से आपका जो सोलर रेडिएशन वगैरह आता है, इसमें कई तरीके से आपका रेडिएशन रहता है जो जो कि हमारा यहाँ पे हार्मफुल जो है वो है यूवी रेस, जो इस लेक्चर में हम लोग इस रेस के ऊपर हम लोग इस एम्फेसिस ज़्यादा करेंगे। अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग गैसियस क्लोरीन एयर ब्रोमिन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए, ये जो ओजोन जो आपका होल डिप्लीट हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मेन कारण जो है वो है आपका गैसियस क्लोरीन एंड ब्रोमीन के वजह से, और कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके वजह से यहाँ पे हमें ये जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, इससे होता क्या है, आपका जो ओजोन लेयर है ये क्या करता था, आपका जो सन का जो यूवी रेडिएशन है जो कि बहुत ही हार्मफुल है, उसको ये रोकता था, उसको ये आपका इस लेयर को पार करके अर्थ में आने तक इसको रोकता था। बट यहाँ पे जब ये होल डिप्लीट हो जाएगा तब क्या करेगा, इसका जो रोकने का जो क्षमता होगा, इसका जो पावर होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और धीरे धीरे जो यूवी जो रेस है उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो हमारा इफेक्ट होगा, जो उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा वो अर्थ पे या तो अर्थ सरफेस पे, वो धीरे धीरे ज़्यादा होते चला जाएगा। और ये ओजोन होल डिप्लीट करने पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल कौन निभाता है वो है CFC, इसका मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाउ रेडिएशन भी आपका अर्थ सरफेस पे आता है, इसका मतलब होता है कि ओजोन लेयर जो ओजोन डिप्लीशन होता है, अगर जितना ओजोन का डिप्लीट हो जाएगा उतना ही जो यूवी रेस होगा सन का वो आराम से एंट्री कर पाएगा हमारे धरती के जो सरफेस तक। ठीक है, और वो अब उसका जो खतरनाक जो उसका एक्शन है वो यहाँ पे दिखा पाएगा। तो ये होता है आपका यूवी रेडिएशन का हजार्डनेस। ठीक है, नाउ अर्थ सरफेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्किन कैंसर। देखिए क्या क्या होता है, अगर यूवी रेज जो हमारा सन से यूवी रेज आ रहा है, अगर वो अर्थ के सतह पे, अगर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो एनिमल्स हो गया या तो ह्यूमन हो गया, उसका स्किन कैंसर हो सकता है, आई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज, इसका मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम उसमें भी इसका बैड इफेक्ट आ जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखिए। ओजोन फंक्शन ब्लॉक यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन, ब्लॉक क्या करता है, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, किससे, सन से। तो ओजोन डिप्लीशन का मेन कॉज क्या है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं फिर से दोबारा इस चीज को बोलते जा रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। CFC एयर पोल्यूशन थिन द ओजोन लेयर, मतलब कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन वगैरह है ये एयर पोल्यूटेंट, ये तो एक एयर पोल्यूटेंट है ही, और ये क्या करता है ओजोन लेयर को करता है, और इसी को यही सबसे इम्पोर्टेंट आपका वजह होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। मोर यूवी रेडिएशन रिचेस द अर्थ सर्फेस, और इससे क्या होता है कि सन से जो यूवी रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एंट्री कर पाता है, और जिससे कि उसका जो नुकसान होगा या तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स होगा अर्थ में वो भी ज़्यादा होने लगता है। इसका इफेक्ट क्या किस किस में पड़ता है, देखिए क्रॉप डैमेज, जो हमारा वेजिटेशन हो गया, जो प्लांट्स वगैरह होंगे उसमें क्रॉप डैमेज हो जाएगा, देन स्किन कैंसर एनिमल्स हो गया या तो ह्यूमन हो गया, देन आई डैमेज, तो इस तरह का कई सारे कैटास्ट्रोफिक जो इफेक्ट्स होगा वो हमारे ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स और उसके साथ प्लांट्स के ऊपर भी ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, एंड देन इसका सोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, इसका सोल्यूशन हमें रिड्यूस करना पड़ेगा या तो रेगुलेट करना पड़ेगा कि इसको CFC को, क्योंकि इसका जो आपका इमिशन होगा इसको हमें रोकना पड़ेगा, मतलब इसको जितना हम लोग कम करेंगे उतना हमारा ओजोन होल जो डिप्लीशन है उसको रोक पाएगा। एंड देन अगर इसको और
अच्छे तरह से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट होगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि हमें प्लांटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रीज ज़्यादा हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन कॉन्सेप्ट। और ये किस लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखिए ये जो ओजोन लेयर है ये हमारा बाकी जितना भी हमारा हार्मफुल रेस है उसको आने पर ये रोकता है। और ये अगर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसका जो थिकनेस होगा अगर वो धीरे धीरे कम होते लगता है, तो इसका जो ट्रांसमिटिविटी होगा या तो इसका इससे जो आपका पासिंग होगा रेस का वो ज़्यादा होने लगेगा, और उसके वजह से हमारा यहाँ पे अर्थ पे इसका जो बैड इफेक्ट है वो ज़्यादा होने लगेगा। थैंक यू सो मच।